जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो आज आपने वापस जाना था, किस वजह से आप नहीं जा पाए? वजह तो हमें पता नहीं है, क्योंकि गाड़ी में हम बैठ गए थे, उन्होंने कहा 2:30 बजे का वक्त दिया उन्होंने, तो गेट खुले गए तो चले गए, वापस अंदर बिठा दिया है, बाद में 2 घंटे के बाद जी नहीं आज गेट नहीं खुलेगा वापस। तो वजह बताई होगी ना आपको कि किस वजह से? कोई टेंशन होगी, फायरिंग होगी। तो आप क्या चाहते हैं, ऐसे क्या क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि कंट्रोल लाइन पर जो है फायरबंदी हो, खिलाफवर्जी ना हो, दोनों तरफ से खिलाफवर्जी ना हो, आना जाना लगा रहे, लोग अपने भैया से मिले, रिश्तेदारों से मिले, ये इस पर ये मामला नहीं होना चाहिए। मतल हुई है इसके बारे में बताइए। पुंछ रावला कोट बस सर्विस जो सस्पेंड हुई है वो हमारी सुबह जो जब हम चले गए थे 0 पॉइंट पर, और हमारी 12 बजे उनके साथ मीटिंग हुई है, और मीटिंग होने के बाद उनसे बात हुई, और 1:30 बजे हमारी क्रॉसिंग थी जिसमें हमारे 19 पैसेंजर थे रिटर्निंग, जो कि POK से आए हुए अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आए थे, वापस अपने घर को जा रहे थे। वो सीज फायर वायलेशन की वजह से 2 बजे के करीब सस्पेंड हो गया, और हमने वेट किया 3 बजे तक शायद हो जाए क्रॉसिंग, लेकिन आर्मी ने जब हमें कहा कि क्रॉसिंग नहीं हो सकती है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो जनाब DC साहब से भी हमारी बात हुई और उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि इनको बाइज्जत अपने रिश्तेदारों को जिनके पास ये आए हुए थे उनको वापस वहाँ पहुँचाएँ, और हमने RTC गाड़ी की है उनको रजौरी, जहाँ जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और रजौरी तक हमारी RTC की गाड़ी जाएगी। कुछ लोग धराल के हैं, कुछ मेंढर के हैं, कुछ मंजा कोट के हैं, वो अपने रिश्तेदारों को फिर उनसे हमारा रब्ता भी हुआ है और गाड़ी का नंबर भी दे दिया, वो अब निकलने जा रहे हैं और अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गया।